टीवी एक्टर्स का मर्डर माने हाई प्रोफाइल मर्डर केस, और इसका पति अभी तक गायब है। ढूंढो वरना हमारी सबकी नौकरी जाएगी। यही है केडी पाठक जो मुझे बचा सकता है। आप पेपर के पैसे? हाँ ये लीजिए। सर जिस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं, हाँ, कभी ये तीन, कभी एलियन, तो कभी मक्खी, एक से एक अजीब और गरीब केस। मैं तो भूल गई हूँ कि नॉर्मल लोगों के नॉर्मल केसेस क्या होते हैं। वो क्या है सुनो ना, कि हर केस नॉर्मल नहीं होता। जब तक वो सिद्ध नहीं होता तब तक वो अद्भुत ही रहता है, अजीब और गरीब ही रहता है। नॉर्मल तब होता है केस जब हम सत्य तक पहुंचते हैं, और सत्य तक मिस्टर आप कौन है? विचित्र व्यक्ति हैं आप, मेरे ही ऑफिस में खड़े हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। वो छोड़िए, बताइए आप कौन हैं? एक मिनट। हाँ केडी पाठक साहब। जी मैं केडी पाठक हूँ, आप कौन? सर देखिए मेरा नाम आलोक सान्याल है जी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ सर। मेरी पत्नी को किसी ने मार दिया मेरी पत्नी को, और इल्जाम मुझ पर डाला जा रहा है कि मैंने अपनी पति को मारा। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये शिफाली सान्याल मेरी पत्नी, टीवी एक्टर, आप जानते होंगे सर। और ये देखिए ये मैं हूँ, ये मेरे बिल्डिंग की तस्वीर जहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरी कार MH04AL1919। अब मैं आपको कुछ और नोट्स देता हूँ इस मॉडल के बारे में, मैंने लिखा है ये डायरी और कुछ चीजें हैं वो। अच्छा ये पूरा बैग ही आप रख लीजिए, मैं ये कैमरा अपने पास रखता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। सान्याल साहब, ये अखबार में समाचार छपे हैं कि आपकी पत्नी की हत्या हुई है जिसका आरोप आपके सर पर है। ऐसे में आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आपको पुलिस की हिरासत में होना चाहिए। सर देखिए पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत जल्द पकड़ा जाऊँगा अपनी इस हालत की वजह से। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये केस आप ले लीजिए, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठीक है आप कहते हैं तो मैं पुलिस को फोन कर लेता हूँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर पवार, ये आलोक सन्याल जो हत्यारा है अपनी पत्नी का मेरे दफ्तर में है, आकर पकड़ लीजिए उसे। आप उसको उधर ही बैठा करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ए सावन चल जल्दी निकल, वो आलोक सन्याल मिल गया, चल। ये किससे बात कर रहे हैं आप? पुलिस को फोन कर दिया है मैंने, वो लोग आते हो। पुलिस? हाँ। तुमने पुलिस को क्यों फोन किया? मुझे फंसा, अच्छा तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो? हाँ मुझे पकड़वाना चाहते हो? तुमने सब मिले हो? अरे क्या व्यवहार है? सुना, मैंने मैंने अपने पति का खून नहीं किया, मैंने नहीं मारा अपने पति को। किसने मारा मेरे पति को? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जोरदार आलोक, स्टॉप। ये भी कैसा अजीब आदमी है, खुद पुलिस बुलाता है और भाग जाता है। What clients come to this office, KD? Something's wrong with him.
पीटी उषा का भाई है क्या? कहाँ गायब हो गया? इंस्पेक्टर साहब, ये अंधेरी जाने का रास्ता? पहले टिकट ले फिर अंधेरी। टकर है। अजीब आदमी, कुछ याद नहीं। कुछ याद आता है तो भूल जाता है। वो फिल्म नहीं थी जिसमें, अरे क्या नाम है, रजनी? रजनी नहीं, गजनी। हाँ पटेल जी, आमिर खान वाली ना। उसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है, वो सिचुएशन फिल्मी थी और ये महाफिल्मी। ठोंग कर रहा है साला, दो हाथ उल्टे पड़ेंगे ना सब याद आएगा। तुम डॉक्टर हो क्या? तुम कैसे कह सकते हो? केस पढ़ेंगे तो आप भी यही कहेंगे, फुल्ली कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है ये। अपनी बीवी के मर्डर के केस से बचने के लिए नाटक कर रहा है। पटक जी, आप दूरी रहिए इस केस से। मुझे यहाँ बंद करके क्यों रखा है आप लोगों ने? क्या किया मैंने? मैं यहाँ कैसे कैसे आ गया? आप कौन है? याद नहीं है तुम्हें? हम पहले कभी मिले हैं क्या? मुझे नहीं पहचानते। सॉरी, मुझे शेफाली की मौत के बाद कुछ भी याद नहीं। अंतिम बात क्या याद है तुम्हें? शेफाली को मार दिया लोगों ने। शेफाली को मार डाला। मैं दिल्ली गया था बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में, वहां से वापस आया। शिवाली ब्रो, जिस आदमी ने शिवाली को मारा था उसने मेरे सर पे यहाँ पीछे वार किया था। उस हादसे के पहले की पूरी जिंदगी मुझे याद, लेकिन उसके बाद की जिंदगी मुझे याद नहीं रहती। याद आती भी है तो फौरन भूल जाता हूँ। ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? कौन हो तुम? कौन हो? मैं एक मिनट। इस चित्र पर ये लिखावट आप ही की है? तो बस मुझे अपना दोस्त समझिए। अरे आप कहां इसके गेम में फंस रहे हैं? ये कॉलेज के दिनों का टॉप का स्टेज आर्टिस्ट रह चुका है, उल्लू बना रहा है सबको ताकि अपनी बीवी के मर्डर से बच सके। कह रहे हैं हाँ? आपके हाथ पर ये निशान कैसा है? ये क्या है?
क्या है? शिवाली को मार दिया। बॉस, ये सारा नोटबुक है ना, ये आलोक ने अपनी बीवी के मर्डर के बाद लिखे लिया ना। हाँ, ताकि वो भूले नहीं। स्पष्ट है कि आलोक अपनी पत्नी की हत्या की जांच कर रहा था स्वयं ही। ये जो चित्र है कारवे रोड, 11 अक्टूबर को यहीं से सब शुरू हुआ। कारवेर बोले तो? इसका अर्थ वही होता है श्रवण जो मैंने कहा कि कारवे रोड में 11 अक्टूबर को हत्या के दिन सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। जाओ पता लगाओ क्या कहानी है। योर ऑनर, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। फाइल आपकी मेज पर रखी हुई है। डॉक्टरों की जांच के अनुसार हादसे के बाद से ही मेरे मोकिल आलोक सन्याल को कोई भी बात अधिक समय तक याद नहीं रही। मिस्टर पाटिल जी, गजनी फिल्म तो सबने देखी है। फिल्म में तो बहुत ही आसान था योर ऑनर, सबने हीरो को सर्टिफिकेट दे दिया कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। लेकिन आई एम सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, ये फिल्म नहीं असलियत है योर ऑनर। अब तो डॉक्टर्स ने भी 100% श्योरिटी के साथ कहा है कि वो प्रूव नहीं कर सकते कि मिस्टर सन्याल को यहाँ पर मेमोरी लॉस है या नहीं। मतलब साफ, ये सब एक ढोंग है कानून को धोखा देने के लिए, अपनी बीवी का कत्ल करके यहाँ पर सबको बेवकूफ बनाने के लिए। क्यों मिस्टर सन्याल, आपको याद होगा ना? योर ऑनर, हादसे तक का घटना क्रमांक इन्हें स्मरण है। इनके अनुसार तो फिर आपको ये भी याद होगा कि आपकी बीवी की हत्या किस गन से हुई। योर ऑनर, अगली सुबह जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो उन्हें ना तो कोई सलाख मिली जिससे इन पर हमला हुआ था और ना ही कोई तीसरा इंसान जिसने वो हत्या की। मिली तो ये गन योर ऑनर जिससे मिसेस शेफाली सन्याल की हत्या हुई थी। ये बैलिस्टिक रिपोर्ट भी है जो प्रूव करती है कि ये गन मिस्टर सन्याल ने ही चलाई थी। And not just that, Your Honor, साथ में फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी है, ये लीजिए, जो ये प्रूव करती है कि इस गन पर मिस्टर सन्याल के फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं। और क्यों ना, आफ्टर ऑल ये गन उन्हीं की है मिलोर, लाइसेंस्ड वेपन। ये क्या लिखे ले? कारवे रोड। आपको पता है यहाँ क्या हुआ था? चंदू पान शॉप, उनसे पूछते। हाँ भाई साहब बोलिए। तुम एक बात बताओ, इधर 11 अक्टूबर को, ध्यान से सोचना, 11 अक्टूबर को इधर कुछ हुआ था क्या? आपको पता नहीं? तभी तो अपन पूछ रहे हैं, बताओ ना। अरे यहाँ एक आदमी की लाश मिली थी, उसका मर्डर हुआ था। किसकी लाश मिली थी, किसका मर्डर हुआ था? पुलिस कह रही थी कोई पत्रकार था, पता नहीं उसे किसने मारा। इंस्पेक्टर पवार को मालूम होगा, उनके पास चलते हैं। हाँ ये गन मेरी है लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई। तो फिर आप वहाँ से भाग क्यों गए थे मिस्टर आलोक? मुझे याद नहीं है, मैं नहीं जानता। आलोक, तुम्हारे कथन के अनुसार किसी व्यक्ति ने तुम पर वार किया था, उस व्यक्ति को देखा था तुमने? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा था क्योंकि वार पीछे से किया था उसने। योर ऑनर, कोई तीसरा था ही नहीं वहाँ पर, ये सिर्फ कहानियाँ बना रहा। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर मिस सोनाली राव को बुलाना चाहूंगी। योर ऑनर, सो मिस्टर आलोक, इन्हें तो पहचानते हैं ना आप हादसे से पहले? हाँ, ये मेरी सेक्रेटरी है सोनाली राव। सिर्फ सेक्रेटरी या फिर कोई और भी रिश्ता है इनके साथ आपका? क्या क्या कह रहे हैं आप? जैसे कि आपको कुछ याद ही ना, पिछले 2 साल से इनके साथ गहरा अफेयर चल रहा है आपका।
एंड योर ऑनर, जब इनकी बीवी को इस बारे में पता चला तब इन्होंने उनका कत्ल कर दिया। पूरी पूरी बात तो बताइए, आपने आरोप तो लगा दिया लेकिन इस आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण मैं खुद हूँ। आलोक ने मुझसे शादी का वादा किया था, कहा था वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा मेरे लिए। गलत बोल रही है। ये मैंने कब कहा था तुम्हें? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कम ऑन आलोक। नहीं लेकिन ये बात तो मेरे एक्सीडेंट से पहले की है। ये झूठ बोल रही है। अदालत, मैं यहाँ कैसे? साइलेंट इन द कोर्ट। कौन हो तुम लोग? आलोक। कौन लाया मुझे यहाँ पर? आलोक, मैं यहाँ कैसे? मेरी बीवी को किसी ने मार दिया, शिवाली को किसी ने मार दिया, शिवाली। आलोक धीरज रखो। तुम कौन हो? केडी पाटिल। सुना नहीं यार, प्रश्न अब भी मेरा वही है कि ये जो आप कह रही हैं कि आलोक के साथ आपका प्रेम प्राकरण चल रहा था, इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? ये अंगूठी जो आलोक ने मुझे 2 महीने पहले दी थी, जाहिर है कोई इतनी महंगी अंगूठी अपनी सेक्रेटरी को, वो भी हीरे की, कोई क्यों देगा? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्यों देगा? आपके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मैं आपकी मदद कर देती हूँ मिस्टर पाटिल, जस्ट अ सेकंड। ये लीजिए योर ऑनर, इस अंगूठी का बिल। अच्छा, बिल साथ में लेकर आइए। जरा बा, बड़ी प्यारी अंगूठी है सुना ली आपको, आपत्ति ना हो तो जरा निकट से देख लूं मैं। ना श्योर। विचित्र बात है, विचित्र इसलिए क्योंकि जब भी हम अंगूठी बनवाते हैं तो जिस उंगली पर वो अंगूठी पहनी जाने वाली हो उस उंगली का नाप लेकर के उस नाप के अनुसार अंगूठी को बनवाया जाता है ताकि वो फिट हो, लेकिन आपकी उंगली पर तो ये अंगूठी फिट नहीं हो रही, तो संभव है कि आप आलोक जी की इस स्मरण शक्ति को खो देने का लाभ उठा रही हैं और ये अंगूठी जो है ये इनकी पत्नी जी की रही हो, और आप झूठ बोल रही हैं कि इनकी पत्नी जी की हत्या करने के बाद ये अंगूठी संभवतः आपने छुड़ा। क्या कह रहे हैं आप? मैं डाइट पे हूँ और मेरा वजन कम हो गया है। अच्छा, आप डाइटिंग कर रही हैं तभी अंगूठी ढीली है आपकी कहानी की तरह। ऋत्विक सिन्हा नाम था इस आदमी का, जिसे 11 अक्टूबर को कारवे रोड पर किसी ने गोली मार दी। किसने मारी? छानबीन जारी है। अफसोस इस मर्डर केस का कोई आई विटनेस नहीं मिला। वैसे आलोक सन्याल का इस केस से क्या लेने देना? पवार साहब, अपुन लोगों को पता रहता अपुन आपके पास आता नहीं आता ना। अपुन लोग इसीलिए आपके पास आ रहे हैं क्योंकि अपुन लोगों को भी जानने का है। मुझे नहीं लगता आलोक सन्याल का कुछ होगा, वो तो गया लंबे के लिए क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ है। वैसे भी केडी ने बहुत बड़ी गलती की। बोले तो अपन लोगों को काम पे रख के उसका केस हाथ में लेके। नहीं नहीं, लेकिन जहां तक मुझे याद है ये अंगूठी तो मैंने अपनी पत्नी शेफाली के लिए खरीदी थी, तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? तो फिर आप ये कैसे समझाएंगे मिस्टर सन्याल, ये अंगूठी आपकी बीवी की उंगली से आपके प्रेमिका की उंगली में कैसे आ गई? ये याद है आपको या फिर आप ये भी भूल गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, मैं समझा दूंगा। 11 अक्टूबर की रात को इनकी बीवी ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया क्योंकि उस रात उन्हें इस अंगूठी का बिल इनकी अलमारी से मिला था। आलोक के क्या है ये अंगूठी, तुमने किसके लिए खरीदी है? देखो देखो शेफाली, इसका मतलब है तुम्हारे और सोनाली का अब तक छोड़ूंगी नहीं मैं उस जान को। शेफाली, शेफाली, शेफाली,
पागल मत बनो तुम शेफाली, जो कुछ कहना तुम मुझसे कहो, सोनाली से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, समझी तुम? You Alok, you, why? You want to know why? Because I don't love you anymore. मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता हूँ शेफाली, चल जाओ मेरी जिंदगी से। ये सब इतना आता नहीं आलोक, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर करियर सब कुछ छोड़ दिया, and now you can get me down there, I'll get you. अब तुम देखो, गुड बाय शेफाली। सोनाली डाले, मार दिया मैंने शेफाली को। क्या? अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक बात याद रखना तुम, जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा वो तुम किसी को नहीं कहोगी। क्या बात है मिस पुरी, क्या बात है, आप तो बहुत समझदार हैं। तो कृपया मुझे भी समझाइए कि अगर आलोक ने ये हत्या की तो आपके मेज पर योर ऑनर मेडिकल रिपोर्ट रखे हुए हैं, उसके अनुसार आलोक के सर के पीछे वार किया गया था। ये समझाइए ना मिस पुरी कि कोई व्यक्ति अपने ही सर के पीछे वार कैसे कर सकता है और क्यों करेगा ऐसा? गुड क्वेश्चन मिस्टर पाल, लेकिन अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वो लोहे की सलाख उस घर में मिली क्यों नहीं? योरोना, उस वक्त घर में सिर्फ दो ही इंसान थे, आलोक और शेफाली, और एक ने दूसरे का कत्ल किया। सिंपल, मिस्टर आलोक ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया ताकि वो अपनी प्रेमिका के पास जा सके। And also it is evident कि उन्होंने किसी चीज या पत्थर से अपने सिर के पीछे वार किया ताकि सबको लगे कि वहां कोई तीसरा मौजूद था। सिंपल मिस्टर पॉटर। योर ऑनर, नॉट सो सिंपल एंड नॉट सो एविडेंट ऑल्सो। पूरी संभावना है कि कोई तीसरा व्यक्ति वहां उपस्थित था जिसने आलोक के सर पे वार किया और वो लोहे का सलिया वो स्वयं अपने साथ ले गया। इस समय आलोक के साथ वार्तालाप करने का कोई लाभ नहीं क्योंकि ये वार्तालाप करने की अवस्था में नहीं है। इस कारण मैं इनके मित्र एवं बिजनेस पार्टनर कुशल जी को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। कुशल, कुशल प्लीज हेल्प मी, किसी ने मेरी पत्नी को शेफाली को मार दिया। आलोक, मैं आपको इस समय स्मरण करा दूं कि अदालत है, आपको यहाँ लाया गया है क्योंकि आपके सर पर हत्या का आरोप है। मेरा नाम केडी पाठक है, मैं आपका वकील हूँ और अदालत में केवल वकील को दलील रखने का अधिकार होता है, कृपया शांत रहिए। हाँ कुशल जी, वर्षों से आपकी मित्रता है आलोक के साथ और भली भांति जानते होंगे आप इनके जीवन के हर छोटे मोटे पहलू को, इनका व्यवहार कैसा है इत्यादि इत्यादि। क्या आपको लगता है कि सोनाली के साथ इनका कुछ चक्कर, कोई प्रेम प्राकरण रहा होगा? कभी नहीं, इनफैक्ट मैं खुद शॉक दूँ सोनाली का बयान सुनकर। और कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएं, क्या लगता है आप, इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की होगी? सर, आलोक एक बहुत ही जेंटल आदमी है, वो शेफाली से बहुत प्यार करता था। मुझसे कोई भी पूछता तो मैं यही कहता, आलोक मर्डर तो दूर की बात है लेकिन उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकता। पर उस दिन बाद। किस दिन के बाद? उस दिन, एक्चुअली रात, जिस रात शेफाली का मर्डर हुआ था। आलोक, मैंने शेफाली को मार डाला कुशल। पता नहीं क्या हुआ कुशल, हमारे बीच में लड़ाई हुई, उसने मेरी पिस्तौल निकाली और मुझे धमकी दी, मैंने वही पिस्तौल छीनकर उसे गोली मार दी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कुशल, कुछ करो प्लीज, कुछ करो। आलोक, अब मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुझे पुलिस के पास जाना होगा। नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता, मुझे सजा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी मुझे। रुक रुक, तो पहले कपड़े बदल ले। कुशल, ये ले, पहले चेंज कर ले, फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं। जा चेंज कर ले।
आलोक, आलोक ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। आलोक ने कारवे रोड का नाम क्यों लिखा था? यहाँ पर कुछ तो शुरू हुआ होगा। फोटोग्राफ का क्या मतलब है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए आंटी, आलोक ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, समझी ना? देख ये का 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 कारवे रोड, इतना तो ढंग से बोला कर। नहीं बोलने का अपुन को, तेरे को समझ में आया ना? अपुन लाइन पे भेज देगा। डोंट वेस्ट माय टाइम। कारवे रोड हमें कौन बताएगा? जिसे सब कुछ याद होना चाहिए था उसे तो। ए आंटी, अच्छा कोई नहीं होता ना, खास केटी बॉस होता है। वेरी स्मार्ट। हैरा चलिए केटी बॉस। आलोक मेरे घर आया लेकिन पुलिस सरेंडर की बात सुनकर वो घबरा गया और वहां से भाग गया। कुशल, उस वक्त आलोक की कंडीशन क्या थी? मतलब सर पे कोई चोट या कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था, मेमोरी लॉस? नहीं कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल था। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, उस वक्त मिस्टर आलोक एकदम नॉर्मल, ना सर पे कोई चोट ना ही कोई मेमोरी लॉस। तो कुशल, उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह पुलिस को बुलाया, आलोक के कपड़े हैंड ओवर किए, उसके विजिट के बारे में बताया। आई एम सॉरी आलोक, तू मेरा दोस्त है पर तुझे बचाने के लिए मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। कुशल, मैंने शेफाली को नहीं मारा, ये बात आकर मैं तुझे कैसे बताता? ओह योर ऑनर, इट्स अ मिरेकल, इन्हें तो सब याद आ गया। अरे आलोक जी, आपको सब कैसे याद आ गया? नहीं, आलोक जी की स्मरण शक्ति भले ही उनकी सहायता न कर रही हो, आपको तो सब कुछ याद होगा भटनागर साहब जी। बताइए कि कौन से कपड़े दिए थे आपने उन्हें पहनने के लिए? वही सूट जो अभी आलोक ने अदालत में पहना है, वो मेरा ही है। तो ये जो सूट इन्होंने इस समय अदालत में पहना है वो आप ही का है, तो स्पष्ट है कि इस सूट के अंदर से जो बरामद किया पुलिस ने वो भी आप ही का होगा। पुलिस की इनकी जेब से जो मिला वो इस समय मेरी जेब में है। मांग के लाया हूं मैं अधिकारियों से, ये क्रेडिट कार्ड आप ही का है। आपका है क्रेडिट कार्ड? आपका है? हाँ जी। ये बताइए कि आपने कपड़े तो दे दिए, आप इन्हें पुलिस तक ले जाने वाले थे, तो फिर क्रेडिट कार्ड देने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? वो हो सकता है कि कार्ड कोर्ट में रह गया हो गलती से और आलोक उसे लेकर भाग गया हो। अच्छा, आलोक उसे लेकर भाग गया, या फिर आपने जब आलोक को भगाया तब आपने उसे क्रेडिट कार्ड दिया, क्योंकि इनके जेब में उस समय इनका बटुआ तो था नहीं, क्योंकि पुलिस को इनकी जेब से इनका बटुआ बरामद नहीं हुआ, तो संभव है कि खर्चे के लिए आपने जब उसे भगाया उस समय आपने अपना क्रेडिट कार्ड दिया उसे। पर मैं आलोक को पैसे की मदद क्यों करूं? तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सीरियसली मिस्टर बात है, सीरियसली मिस पुरी, योर ऑनर, ये क्रेडिट कार्ड का इस केस से क्या संबंध है? सच्चाई तो ये है कि मिस्टर आलोक ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है, क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी से बहुत प्यार करता है। गलत है ये, मेरे और सोनाली के बीच में कुछ भी नहीं था। आपकी याददाश्त को मैं ताजा कर देती हूँ मिस्टर आलोक, यू डोंट स्ट्रेस, क्योंकि कितना अच्छा ढोंग रचा रहे हैं ये योर ऑनर। जस्ट अ मिनट, योर ऑनर ये देखिए, ये इनके घर पर छानबीन करने के बाद इनके पर्सनल ड्रॉर से हमें लव लेटर मिला है जो सोनाली जी ने इन्हें एड्रेस किया। बहुत सारी प्यार की बातों के साथ ये भी लिखा है कि तुमने वादा किया था कि अपनी पत्नी से छुटकारा पाओगे, और देखिए ना, पत्नी से छुटकारा भी कैसे पाया, मर्डर करके। आलोक, इस पत्र के बारे में कुछ जानते हो तुम? अरे मुझे इस पत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ कैसे आ गया? ये कौन सी जगह?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही क्या. वेरी नाइस एक्टिंग, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी यही परफॉर्मेंस आपको अब सीधा फांसी के तख्ते तक लेकर जाने वाले, क्योंकि अब बात सामने आ चुकी है. मोटिव क्लियर है योर ऑनर. इनका अपनी सेक्रेटरी सोनाली के साथ अफेयर, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी बीवी का खून कर दिया योर ऑनर. अदालत, मिस्टर आलोक के जहनी हालत को मद्देनजर रखते हुए अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है. द कोर्ट इज अडजर्न्ड फॉर द डे. हाँ, ये बात बिल्कुल सच है. मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि शेफाली की मौत के बाद की बातें मुझे याद नहीं रहती, लेकिन शेफाली की मौत के पहले की बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ. मैं जानता हूँ मेरा सोनाली के साथ कुछ नहीं था. देखो आलोक, अगर कुछ था भी तो सच सच बता दो. मुझसे कोई बात छिपाने से तुम्हारा लाभ नहीं होगा, हानि होगी. अरे मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ. मैं मेरा सोनाली के साथ कुछ नहीं था, कुछ नहीं. एक मिनट, मैंने शेफाली के हाथ में एक लेटर देखा था, वैसे ही येलो कलर का लेटर. कहाँ देखा था? शेफाली के हाथ में. शेफाली के हाथ में? कौन हो तुम? हाँ, मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे शेफाली को मार दिया उन लोगों ने. शेफाली को मार डाला उन लोगों ने. मैं छोड़ूंगा नहीं उसे. तो कारवे रोड पर जिस जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था, उसका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा. हाँ, लेकिन पुस्तक में लिखा है कि जिसने मेरी पत्नी की हत्या की है, उसी ने मेरे सर के पीछे वार किया था. बॉस, अपुन को लगता है, ऐसा अपुन को फील होता है कि हो सकता है ये सब नाटक हो. उसको कुछ बीमारी नहीं, सब नाटक कर रहा है. देख, उसकी बीमारी असली है या नकली ये तो पता नहीं, लेकिन उसके सर के पीछे जो चोट लगी है वो तो असली है. आलोक का जख्म असली है सर, लेकिन उसकी कहानी झूठी. सर मैं धीरेन वासु. कमाल करते हैं, आपको कौन नहीं जानता धीरेन बाबू. अब तो वो शेफाली के साथ जो धारावाहिक आती है आपकी, उसके उसमें मुख्य पात्र करते हैं आप. बहुत प्रसिद्ध धारावाहिक है भारत में. कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए. मिस्टर पाठक, वैसे तो मेरा इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है, बट आपकी एक जरूरी गलतफहमी को दूर करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ. कहिए ना. सर, आलोक ने बार बार कोर्ट में एक बात कही है कि उसका और सोनाली का कोई अफेयर नहीं था. सर लेकिन शेफाली ने मुझसे कुछ और ही कहा था उस दिन शूटिंग के दौरान. शेफाली, क्या बात, आज तुम अपने सारे सीन्स इतनी लो एनर्जी में कर रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शेफाली बात क्या है, प्लीज बताओ. आलोक का अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है. क्या? मुझे उसके कब्र में उसकी सेक्रेटरी का लव लेटर मिला और साथ में एक अंगूठी की रिसीट. जस्ट डोंट नो द रेन व्हाट टू डू. शेफाली, just calm down, please. नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे. I just won't leave him. उसे उसके किए की सजा मैं देकर आऊंगी. ये बात आप अदालत में बोलेंगे? सर, आपसे ऑनेस्टली कहूँ तो मैं यहाँ से सीधा प्रोसिक्यूशन के ऑफिस ही जाऊँगा. मेरा ज़मीर मुझे चुप रहने की इजाज़त नहीं दे रहा है. आई नो कि मेरे इस बयान से आपके इस केस में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, आपका केस हल्का भी हो सकता है, बट सर आई होप कि यू अंडरस्टैंड. कोर्स आई डू. करिए जो आपको उचित लगता है. टेक केयर. थैंक्स फॉर कमिंग. क्या सोच रहे हैं?
इस केस से विड्रॉ कर ले? नहीं, क्यों? से जो बोलना था इसने बोला, आवश्यक नहीं कि इसने जो बोला वो सत्य हो। आलोक ने जो बोला था उस पीले कागज के बारे में, शेफाली का नाम भी लिया था, संभव है कि वो पीले कागज का पैड वहीं कहीं हो। उनको ना करने का होता ही। हाँ छोकरी, हो गया तेरा, तो चलने शुरू करते काम। हाँ एक मिनट, अगर एक भी सबूत तुम दोनों ने गमाया या खोया अंदर कर दूंगा। बहुत बढ़िया, अपुन जाता है, चल 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 यहाँ से चल। अरे क्या पवार साहब, अपुन अब ट्रस्ट करो, ट्रस्ट ठीक है ना, अपुन शुरू करता है काम आराम से। हाँ लेडीज परफ्यूम है, मला माहित आहे पवार साहेब। क्या पवार साहब, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चेक करेगा था। अरे बाबा, ए बाबा, तोड़ेगा क्या? अरे नहीं पवार साहब, ये रखो ना, ये रहा हेलो राइटिंग पैड। दिखा दिखा दिखा, अपन को दिखा। एक मिनट, अरे पवार साहब दो ना, अपन को दो ना। अरे इसमें कुछ नहीं मर्डर, अरे मर्डर थोड़ी इससे हुआ है पवार साहब, ये तो ऐसा डायरी है, बकवास है, दो ना सर प्लीज। एक मिनट मुझे देखने दो, मुझे नहीं लगता इस केस से इसका कोई लेना देना। उनको भी यही लगता है। ले अपुन, फिर भी बॉस 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 क्या देख रहे हो, कुछ भी नहीं लिखे ला उसमें। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वैसा होता नहीं। हो सकता है यहाँ जो नहीं दिख रहा वही हो, नहीं दिख रहा था वो दिख रहा है। MH02DF3333, ये तो किसी गाड़ी का नंबर है। गाड़ी का नंबर है, ये हैंडराइटिंग या तो शिफाली की हो सकती है या आलोक की। आलोक की तो नहीं है। सुनो ना, तुम्हें काम करो, शिफाली की हैंडराइटिंग से हैंडराइटिंग मैच करो। तू पता लगा गाड़ी किसकी है? अपुन करेगा ना, लेकिन अपुन बहुत कंफ्यूज हो गया। बॉस ये गाड़ी का नंबर और केस का क्या संबंध है, कनेक्शन क्या है बॉस? वही तो पता लगाना है। ढक्कन दूर की सजावट आपकी। मिस पुरी, अचानक मेरी याद कैसे आ गई आपको? You're always there in my mind. तो सोचा आपको कॉल करके मैं एक पूरी खबर दे दूं कि आप केस बहुत बुरी तरीके से हारने वाले। मैं ये केस हारने वाला हूँ? अच्छा, क्यों ऐसा आपको लगता है? बस ये समझिए कि ऐसा सबूत है जो आपके केस का ताबूत बन सकता है। The end. चलिए कल अदालत में मिलती हूँ। टेक केयर, सी यू सून, बाय। आलोक जी, ये वही लोहे की सलाख है ना जिसे आपने अपनी बीवी को बचाने के लिए उठाया था, लेकिन फिर कातिल ने इसी सलाख से आपके सिर पे वार किया? जी। वेरी नाइस, चलो एटलीस्ट कुछ तो आपको याद है। योर ऑनर, इनके घर के बाहर एक टूल शेड है जहाँ पर ये लोहे की सलाख बहुत सारे पत्तियों के नीचे मिले, इसीलिए पुलिस को पहली जांच में ये वहाँ पर रिकवर नहीं। और अगर मिस्टर आलोक की कहानी सच्ची होती तो इस लोहे की सलाख पर दो लोगों के उंगलियों के निशान होने चाहिए, एक मिस्टर आलोक के और दूसरे उस तीसरे के जिन्होंने इनके हिसाब से इनकी बीवी का खून किया। फिंगरप्रिंट की जांच के हिसाब से योर ऑनर, दो फिंगरप्रिंट्स इस पर जरूर मिले, एक मिस्टर आलोक के और दूसरे इनके बीवी शेफाली के, यानी कि तीसरा कोई था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है और उस रात क्या हुआ था, ये मैं आपको बताती हूँ। और उस रात इनके और इनके बीवी के बीच में इनके अफेयर को लेकर गर्मा गर्मी में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। शेफाली,
है योर ऑनर? जी नहीं पूरी, क्या है कि मेरे मन में अब भी संकोच है। आपके कहे अनुसार, इस कहानी के अनुसार आलोक के माथे के पीछे चोट लगी थी और वहां भंडारी साहब का कहना है कि इनके माथे पे कोई चोट नहीं थी जिस समय वो मिलने गए थे उनसे। तो मिस्टर पाठक, जी जी, चोट थी, चोट थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी जिसकी वजह से इन्हें मेमोरी लॉस हो जाए। अच्छा, चोट थी लेकिन इतनी गहरी नहीं थी कि इनकी याददाश्त चली जाए, और इतनी गहरी भी नहीं थी कि कुशल भंडारी साहब उसे देख सके। अपने मित्र के सर पर चोट उन्होंने नहीं देखा। अब आलोक, आलोक से पूछने से पहले मिस्टर पाठक, इफ यू डोंट माइंड, योर ऑनर, मैं यहाँ पर धीरेन जी को बुलाना चाहूंगी, जो एक बार फिर यहाँ पर स्पष्ट कर देंगे कि सोनाली और आलोक के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग अफेयर चल रहा था। अब ये केस एकदम पानी की तरह साफ हो चुका है कि सोनाली और आलोक का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से इनकी इनकी पत्नी के साथ उस रात लड़ाई हुई, उसके बाद इन्होंने उसकी हत्या कर दी। रोंग रच रहे हैं ये, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ओए मिस पुरी, क्यों आप इतना हमेशा उत्तेजित होती हैं? आलोक, ये बताओ कि धीरेन को जानते हो तुम? धीरेन? कौन धीरेन? जो सामने गड़घरे में खड़ा हुआ है, शेफाली का सह कलाकार। शेफाली? कौन शेफाली? ऑर्डर ऑर्डर। आलोक शेफाली तुम्हारी पत्नी थी जिसकी हत्या हो गई, जिस आरोप में तुम्हें यहाँ लाया गया अदालत में, तुम्हें तो हादसे के पहले का सब कुछ याद था। ये क्या 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 कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? हुआ भाई, हुआ भाई, कौन हूं मैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से फुल टाइम मेमोरी लॉस हो गया है इन्हें तो। योर ऑनर, दिस इज अ होपलेस थिंग। क्यों मिस्टर पाठक, अब क्या करेंगे आप? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.